हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी तो रात हो रही है और ये जो ब्लॉग है भी कई दिन पहले का है और मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर और बना रही हूँ गाजर कलवा। इस बार पूरी सर्दियाँ निकल गई लेकिन हमारे घर में ना गाजर कलवा नहीं बना, तो अभी सर्दियाँ जा रही हैं। ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने गाजर घिसी है, मैंने छील के इनको दे दी थी और इन्होंने फिर घिस दी थी। और उधर मैं दूध पका रही थी साथ में और फिर मैंने कहा कि आप इतने गाजर घिस दो और इधर मैं दूसरी साइड में अपना सब्जी भी रेडी कर देती हूँ। तो सबसे मैंने ना कुछ क्यूब्स में प्याज काट लिए थे और शिमला मिर्च भी क्यूब्स में मैंने काट ली थी और उसके बाद में उनको मैंने फ्राई कर लिया थोड़े तेल में। फिर उसी तेल में मैंने ऐसे लच्छे वाले प्याज निकाल के मतलब काट लिए थे और इनको भून लिया। मतलब ज़्यादा नहीं भूनना, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा बस जैसे उनका थोड़ा सा ना कलर चेंज होता है तभी हमें इसमें ना, तो मतलब मैंने टमाटर भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी काट ली थी और टमाटर डाल दिए और उसमें हमने डाल दिया है नमक, डाल देंगे इसके बाद में हम मिर्च और उसके बाद में थोड़ी सी धनिया डाल के, और हम इच्छा है हमारी हल्दी ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते हो। तो मैंने डाली थी और डाल के मैंने इसको थोड़ा सा मिला दिया और जब इसको बिना हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही भूनना है तो वो हमें नहीं भूनना है। और थोड़ा सा भून के हमने क्या करना है, इसको हमने दूसरे बर्तन में निकाल लेना है और ठंडा होने के बाद में उसको पेस्ट को हमें कर मतलब इसका पेस्ट बना लेना है जो भी प्याज टमाटर था। यहाँ देखिए मैं बताना भूल गई, मैंने पनीर को भी मतलब फ्राई कर लिया था। फिर सेम मैंने कढ़ाई ली है, उसी में मैंने तेल डाल दिया है और इसमें ये है कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हम इसमें ये डाल देंगे और इसके बाद में जो हमने पेस्ट बनाया है मसाले का वो सारा पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से हम इसको मतलब कि चला देंगे। वैसे हमारा जो मसाला है वो ऑलरेडी भुना हुआ है और उसके बाद में हम इसको और मतलब बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही थोड़ा सा भुनता है इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा भी नहीं खाया जाएगा ना, तो ये हमने डाल दिया। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि खाने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम होटल्स वगैरह में खाते हैं। बट एक कमी इसमें हो गई थी मेरे से, क्या हुआ था कि इसमें मेरा थोड़ा सा पानी ना ज़्यादा डल गया था, तो वो ना कई बार हो जाता है, बस वो पानी ही ज़्यादा था, बाकी तो टेस्ट में कोई भी कमी नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत अच्छा बना हुआ था। और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला। और यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा भी तैयार हो रहा है, जहाँ तक है दो घंटे तो उसमें लगेंगे ही, साथ साथ में मेरी सब्जी भी बन रही है, साथ साथ में हलवा भी बन रहा है। गाइज़, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो घर है पीछे, ये आपका हमारा घर तो नहीं लग रहा होगा ना, तो मैं आपको बताना मतलब सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ, इतना जल्दी हुआ कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाई कि मतलब ये संडे की बात है और संडे को ही अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे मेरठ से आना पड़ा। तो गाइज़, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आई हूँ सहारनपुर में, जो मेरी नंद हैं उनके घर पे। तो मैं यहाँ क्यों आई हूँ मैं वो भी आपको बताऊँगी। तो फ़िलहाल तो मैंने ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया है और वीडियो क्लासेस ज़रूर देखिएगा। और गाइज़, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, आप लोग बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते हैं, तो अगर कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी खुशी के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉग आगे कंटिन्यू रहेगा और आप लास्ट तक ब्लॉग को ज़रूर देखना। सो गाइज, देखिए ये है मेरी जो नंद हैं उनका घर, तो ये है। और अभी यहाँ ऊपर देखो दीदी ने कितने सारे पेड़ लगाए हुए हैं, ये देखिए ये गमले, और यहाँ भी कितने सारे गमले हैं। और ये हमारे सबके जूते चप्पल हैं, इधर ये वॉशिंग मशीन है एंड इधर अंदर है, सब लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट कर रहे तो मैंने कहा चलो मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं लाइन पे आ चुकी हूँ कि मतलब अपनी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गई थी ना बीच में कि बिल्कुल वीडियो से ना पता क्या होता है, जब हम कंटिन्यू बनाते रहते हैं ना तो एक मतलब मन भी करता है बनाने का, और जब बीच में अगर एक बार छोड़ दो ना तो फिर ऐसे हो जाता है, और मेरे मुझसे ऐसी गलती बार बार होती रहती है। तो फिलहाल अभी अंदर सब लोग हैं तो अभी हम बाहर ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर छत दिखाती हूँ। ठीक है, आप नहीं सो रहे बेटा? गाइस, ये रिटिया मैडम हमारी, बच्चे भी मेरे साथ ही आए हैं, इन्होंने भी छुट्टी करी है। क्या हुआ, क्या हो गया, कहाँ जा रही है? गाइस, अभी हम लोग ऊपर चलते हैं।
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर भी कितने सारे गमले हैं, ये देखिए। वो रख सकते दाल चावल खा ली, भूख लग रही है, दाल चावल क्यों नहीं खा रही, रखे थे, अब मैं क्या करूँ फिर। ये देखो ठीक है, तूने ये भी बनाया है आज, किसने खराब किया है ये? सृष्टि ने। सो गाइस, ये हमारी प्रिया मैडम, आप इनको जानते हो ना, ये हमारे घर भी आई थी अगर आपको याद हो तो। शक्ल तो हमेशा बढ़िया ही है, इतनी बढ़िया, सबको कितना मतलब कैमरा सामने आते ही ना वो सबको ये देखा ही मेरी शक्ल, हाई मेरी शक्ल बहुत बढ़िया है। सो गाइस बताओ शक्ल में क्या आपको कोई कमी लग रही है, जिसको भी कोई कमी लग रही है तो मुझे बताना, हम ऊपर करो एक बार दिखाओ ढंग से, अब देख लीजिए इस मासूम चेहरे को। हाँ यार कनेक्ट कर दो, वीडियो नहीं डल रही आज मेरी जी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे वीडियो अपलोड करने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना यहाँ पे वाईफाई नहीं है और बिना वाईफाई के तो वीडियो बहुत मुश्किल से अपलोड होती है, सुबह लगाओ तब जाके रात तक होती है, तो वाईफाई के बिना बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बट फिर भी मैंने कल एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी और अभी भी एक प्रोसेसिंग में है, तो देखो कि वो कब तक होती है। सुबह से लगा रखी है, जब से मैं उठी हूँ तब से मैंने कहा ताकि फ़ोन का जितना भी नेट है वो अपना इसमें यूज़ हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा है। अभी मैं प्रिया से उसका नेट उधार ले रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा अपना नेट उधार दे दो ताकि मेरी वीडियो अपलोड हो जाए। खाने में मैं बना रही हूँ आज छोले, तो उसके लिए मैंने लगाई प्याज टमाटर लहसुन अदरक ये सब चीज़ों का पेस्ट, तो ये उसमें साथ में मैंने प्याज में मसाले डाल दिए और जब वो भुनने के बाद में मैंने फिर डाल दिया है इसमें टमाटर। किसी और के घर जाके ना मतलब कहीं जाऊँ फिर मतलब खाना बनाना एकदम से ना चीज़ें हाथ नहीं लगती, जैसे कि बेलन में प्रॉब्लम होती है, या जैसे बेलन हो गया, चकला हो गया और चिमटा हो गया, तो थोड़ा सा वो लगता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी, एक दो दिन रुकूंगी ना तो फिर तो आदत पड़ ही जाएगी। वो ना सब चीज़ों की मतलब अपनी किचन की, अपने सामान की, सारी ऐसी आदतें होती हैं ना। तो यहाँ पे हमने छोले बनाए और छोले के साथ में दीदी ने बोला था कि ना पूड़ियाँ बना लेना, तो यहाँ मैंने छोले तो मेरे रेडी हो गए, इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, और तेल में सरसों का ही तेल है, तो हम पूड़ी भी सरसों के तेल में ही बनाते हैं, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, उसको पका लेते हैं ना तो पता भी नहीं चलता। और इधर मशीन लगा रखी थी मैंने, तो मैंने कहा चलो इधर कपड़े भी साथ साथ में धुल जाएंगे ना, क्योंकि फिर हम लोग मतलब सिर्फ 3 ही दिन के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिली है, उन 4 दिनों में से 1 दिन तो देखो जाने का ही हो गया है मेरा, तो उसमें जब यहाँ देख सकते हैं आप ये टिया पड़ रही है और यहाँ दीदी लेट हुए हैं, तो दीदी का हुआ है आँख का ऑपरेशन, तो इसलिए भी दीदी को ना मतलब हम चश्मा ही लगा के रखना ही, मन पता है आपको डॉक्टर ने तो ऐसे बोल रखा है कि जब ये सोना है ना सोते वक्त भी चश्मा लगा कर ही सोना, सोते टाइम ही मतलब चश्मा नहीं उतारना, और जिधरली वाली साइड में मतलब दीदी की लेफ्ट साइड का ऑपरेशन हुआ है लेफ्ट आइज का, तो मतलब उस साइड को ना करवट लेके भी नहीं सोना है, तो भी प्रिकॉशन है, बट पता है बहुत दिक्कत होती है, मतलब कि सबसे मेन चीज़ होता है ना लेडीज़ के साथ में ये दिक्कत आ जाती है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए ना तो फिर मतलब होते हैं कौन करेगा कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो सब जॉब वाले हैं और छुट्टी मिलना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रखा था, तो मुझे भी सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिली है, तो फिलहाल तो मैं अभी आई हूँ 2-3 दिन यहाँ पे, 3 दिन रुकेंगे और फिर 4th दिन हम लोग चले जाएंगे। और ये दीदी की किचन है, और अभी मैंने आलू और मेथी जो है वो मैंने धो रखी है और इसको मुझे बनानी है आलू और मेथी की सब्ज़ी। मुझे ना आलू मेथी की सब्ज़ी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पता है मेरी मम्मी क्या करती थी, जब भी आलू मेथी बनती थी ना तो वो ना मतलब बहुत सारी बनाती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि रात को तो हम सब्जी रोटी खाते थे और फिर जब सुबह होती थी ना तो हम उसमें ना आलू मतलब वो मेथी की सब्ज़ी भर के ना मम्मी पराठे बनाती थी, सीरियसली गाइस मुझे इतने अच्छे लगते थे ना वो पराठे बहुत ज़्यादा। और मेरी क्या आदत थी, मैं किचन में बैठ कर ही खाना खाती थी कि मम्मी गरम गरम आप पराठा बनाओ और प्लेट से मतलब तवे से ना सीधा मेरी प्लेट में रख दो, मैं तो करार करार से पराठा खाऊँ, तो कई बार ना बहुत याद आती है, खैर अपने घर की तो फिर बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और मैंने कहा चलो मशीन अपना धो लेते हैं। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, तो इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं एक और नई सी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।